स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं अपना एक छोटा सा बथान का किस तरीका से खेती हुआ है और कितना बड़ा खेती है और यहां का डिजाइन। तो चलिए अपना व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आप यहां पे देखें, यहां पे तीनों के पांचों के बीच में, तो ये देखिए यहां पे सूर्य का चित्र बना हुआ है, यहां पे त्रिशूल बना हुआ है और यहां पे धर्म का नाम लिखा हुआ है। और ये देखिए इसके अलावा यहां पर जय श्री राम लिखा हुआ है यहाँ पे तीनों के तीनों हिस्से पर। और ये देखिए यहाँ पे ये सब मैंने डिजाइन बनाया हुआ है और लिखा हुआ है। और ये देखिए कुछ इस तरह से। और ये वाला चौथा यहाँ का लकड़ी है जिससे मिलकर ये सब बना हुआ है। ये देखिए अशोक चक्र भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और अंदर इसको खोल के अंदर जाने पर यहाँ पे मैंने फूल लगाया हुआ है। जाने वाले रास्ते पर ही ये देखिए यहाँ पे बहुत पहले घास हुआ करता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक ऐसा चीज़ लगाया जाए जो बढ़े भी और उसको साफ ना करना पड़े और साथ ही सुंदर भी लगे, तो मैंने यहाँ पे ये फूल लगा दिया। और इधर पूरा बंद था तो अभी मैंने साफ़ किया है कुछ दिन पहले ही। ये देखिए हमने चचरा बनाया है, पूरा ऊपर तक हमने घेर दिया है ये देखिए। और यहाँ पर एक छोटा सा प्लान है, ये है मेरा बथानी। और इधर मैंने जब मैं 8वें क्लास में पढ़ता था यानी कि 7 साल पहले, तब का ये मैंने कनेल यहाँ पे लगाया था ये देखिए। और यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ भी है, कुछ इस तरह दिखता है। और ये देखिए इधर हमारा एक बहुत ही छोटा सा खेत भी है और उधर की ओर दूसरे किसी का ज़मीन है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे खेती हुआ है। यहाँ पे मैंने मकई बोया था जो हो गया, मतलब फसल पूरा हो गया, तो हम लोगों ने उसको क्या किया कि उसका फसल ले लिया और मकई को उखाड़ दिया। और ये देखिए इसका सब्जी बनता है, इस पर कीड़े भी रहते हैं जो इसको खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये खाए भी हैं इसको। और इसका यहाँ तक बॉर्डर है, वो देखिए इसके उधर खेत है जहाँ से मैंने अपना पिछला व्लॉग शुरू किया था, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में। और ये यहाँ पे लतारे चल रही है और ये हमारा ऊपर करकट रखा हुआ है बथान का। तो दोस्तों मेरा बथान कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ पे। थोड़ा 2-3 महीना बीत जाएगा तो यहाँ पे कनेल का ये जो आपको पेड़ दिख रहा है इस पर फूल भी आते हैं, लेकिन अभी 2 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद ही आएगा। और यहाँ से एक मैंने ब्लॉग भी शुरू किया था। यहाँ मेरे बथान में एक इसका भी पेड़ है, बड़ा पत्ता वाला पेड़, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने एक झंडा भी लगाया हुआ है अपने सनातन धर्म का, फहराता रहता है जब भी हवा बहता है। मेरे पीछे भी यहाँ पे लतारे ही हैं जहाँ पे सब्जियाँ ऊपर चढ़ चढ़ के फलती हैं। तो ये था मेरा बथान।